तभी ठीक है, अल्लाह हाफिज़ जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। अच्छा माँ, अल्लाह मौसम ठीक है, अल्लाह हाफिज। वहाँ पे मुकद्दस भी बैठी है, दरवाजा खुले नहीं। ये जो है मोहसिन बैठा हुआ है, खाना खा रहा है। इसे कोई बीमारी नहीं है, इसे बेचारे को ठंड लगी थी, मोटे कपड़े भी नहीं पहनता, कहता कि मैंने नहीं पहनने। ऐसे ही बैठा, देखो आप कैसे हंस रहा है। मोहसिन क्या खा रहे हो? बुशरा भी जा रही है दरवाजा खोलने के लिए, कहा कि भाई आप चले, मैं दरवाजा खोलती हूँ। सूट भी इसने न्यू वाला पहन लिया, खोल रही है दरवाजा। ये देखें भाई, तनवीर भी चाय पी रहा है। भाई कैसी चाय बनी हुई है? बहुत अच्छी, अच्छी बनी हुई है। चलो, अम्मा भी खा रही है खाना, और मुकद्दस देखो कैसे हंस कर आ रही है हमारे साथ बैठने के लिए। मोहसिन भी बैठा है। मोहसिन आपको ठंड नहीं लगी? इधर बज समीना, मुकद्दस और उसके बच्चे जो हैं, मोहसिन भी ये तैयार हो गए हैं। तो अभी जो है हमारे कपड़े क्रॉस सिलाई कर रही है, जब तक हमने कहा कि आप तैयार हो गई हैं तो आपकी पिक्चर वगैरह बनाएं। ये देखें, ये भी खड़ा नहीं हो रहा है जगह, बैठो इधर, इधर बैठ जाओ। ये मोहसिन भी तैयार हुआ बैठा है, ये एक जगह पे रुक नहीं रहा है, शरारतें कर रहा है। तो यहाँ पर बाजी वाले तैयार हो चुके हैं। ये ईद थी ना, शबे बारात, सिर्फ ये इसने दिखाए थे, उसके बाद ये सो गई थी मुकद्दस भी, फिर इसलिए जो है ना अभी इन लोगों को तैयार किया है। जब तक हमारे कपड़े सिलाई होते हैं, फिर बाद में हम भी तैयार होंगे। माशाल्लाह, इधर बाजस्मीना हमारे लिए सालन बना रही हैं, ये हमें खुद बनाने भी नहीं देती हैं, और कहती हैं कि, और वैसे भी जो है ना हम इनके हाथ की सालन हो चावल हो बहुत शौक से खाते हैं, और इनके हाथ के जैसा किसी के हाथ में जायका भी नहीं है। और सालन क्या बनाया? आलू और गोभी का सालन बना रही हैं। वहाँ पर सामने उनके दो बच्चे बैठे हैं, और आलू और गोभी की सालन। चलो माशाल्लाह, ये जो है ना भाई जमील खान जब उधर से आए हैं दूध देके वापसी, तो उनको जो है ना किसी ने ये गिफ्ट दिया है। ये है सऊदी अरब की, देखते हैं कि इसमें है क्या। माशाल्लाह, ये जो है आबे जमजम का पानी भी दिया है उन्होंने, और जो है ये खजूरें भी हैं। ये जो है अजवा खजूर भी उन्होंने दी हैं, और ये हैं मक्खन टॉफियाँ। शायद इसके ऊपर कवर भी था, लेकिन वो इकरा ने ना पहले पहले जो है ना उसको खोल दिया। मैंने उसको कहा कि मैंने दिखानी है आप सबको कि हम जमील भाई को ये गिफ्ट मिले हैं उधर से, लेकिन उसने खोल दी पहले से ही, मुझे पता नहीं था। और इसका मुझे पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, इसका मुझे नाम भी नहीं आता। और ये जो सारी चीज़ें ना उन्होंने, ये उन्होंने दी हैं भाई जमील को। ये अभी अभी भाई सऊदी से आई हैं बाजी, अंबर पार्लर वाली। अच्छा, अंबर पार्लर वाली बाजी ने दी हैं। अच्छा, ये भी तो सऊदी अरब गई थी ना कुछ अरसे के लिए। हाँ, वही उम्रे के लिए जब गई थी। इधर है माशाल्लाह हमारी सालन जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको देखें तो सही, बाजी कैसी बनाई आपने सालन, माशाल्लाह। अब जो है रोटी बनाएंगे हम, खासकर जो है ना इधर हमें सालन रोटी सालन खाने में मज़ा ज़्यादा क्यों आता है, क्योंकि वजह यह है कि उधर जो है ना गैस की होती है रोटी और सालन वगैरह, इधर इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। लकड़ियाँ भी साथ साथ होती हैं थोड़ी सी, और थोड़ी सी जो है ना ये बाजी खुद बनाती हैं। ये यहाँ पर हम जो है बनाते हैं रोटी ना, बाजी धनिया डालना भूल गई थी, हरा धनिया, और इसके बगैर तो सालन वैसे भी मज़ा का नहीं होता, खुशबू होती है ना इसकी, इसलिए। तो ये जल जल से अभी उनको याद आया, तो मैंने कहा चलो ठीक है डाल दें। ये अब मैंने अमरूद काट लिए, ये मुकद्दस वालों को दे, अब मैं ये इनको देने जा रही हूँ बाजी समीना वालों को। ये जो है ना हमारे अम्मा वालों के घर की ना बैक साइड पर ये बगीचा बना हुआ है थोड़ा सा, इधर हल्के हल्के ये देखें, ये बेर का बूटा लगा है, दरख्त लगा हुआ है, और आगे वो जो है ना ये नीम का दरख्त भी लगा हुआ है। ये भाई साफ वाला से बनाता रहता है, और ये जो है ना भाई जमील के अब्बू के हाथों के लगे हुए हैं ये सारे दरख्त, जितने भी यहाँ पे लगे हुए हैं ना
ये सफेदे का दरख्त भी लगा हुआ है और यहाँ पर एक बेर ये भी है, ये छोटी बेर है लेकिन ये ना अभी फिलहाल ये खाने वाली नहीं है क्योंकि इसको देना। ये इतने छोटे छोटे से बेर लगे हुए हैं, ये बड़े भी हैं ये, मगर ये ना अंदर से इसके कीड़ा लगा हुआ है। और ये देखो आगे जाओ ना, अरे फातिमा पट ये लगी हुई है, ये खजूर का लगा हुआ है, ये खजी है लेकिन अभी इस पे लगती नहीं है क्योंकि ये छोटा है ना, इसलिए जब ये होगा तो ये मुकद्दस वाली बेर उठा के खा रही है। ये भी आम का दरख्त है ये वाला भी, लेकिन फिलहाल इस पे भी नहीं लगे हुए। ये लेमन का दरख्त है, इस पे लेमन लगते हैं लेकिन अभी फिलहाल इसकी अभी जो है ना पत्तियाँ छोटी छोटी सी हैं, ये अभी बढ़ेंगी तो फिर जाके इनकी मौसम होती है ना, ये अपने मौसम पे लगेंगे। आगे भी हैं ये जो है ना ऑरेंज का दरख्त है, इस पे ऑरेंज लगेंगे, इसके भी हल्की हल्की जैसे है ना ये वाली ये पत्तियाँ निकली हुई हैं छोटी छोटी सी, ये लगेगा। हमें तो फिलहाल इसका खास पता नहीं है, लगे हुए हैं एक देखते हैं तोड़ के खाते हैं, ये ना सही वाले हैं ना शायद, ये सही है। देखो मैंने भी तोड़े हैं, साफ है सारे। हाँ ये मुझे साफ करके दो, तोड़े हैं ना ऊपर से, नीचे से तो नहीं उठाए? नहीं ऊपर से तोड़े हैं। अच्छा ये देखें ये बिल्कुल साफ है, मुकद्दस नीचे से उठाया है इसने, खाया नहीं, और मुकद्दस भी खा रही है, साफ है। हाँ ये देखो बिल्कुल ही साफ है, वो देखो ये देखो ऊपर ये भी लेमन है और ये छोटे छोटे से आम के पौधे लगे हुए हैं आम के। ये देखो ये मौसम उठा उठा के गिन रहा है, एक दो तीन चार, ये देखो ये लगे हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो गाइस इधर हो रही है बारिश, तकरीबन मगरिब से शुरू हुई है, अब तकरीबन टाइम हो गया है 7:36 हो गए हैं, 36 हो गए हैं, अभी तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, माशाल्लाह इतनी ठंड भी है, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम इधर गांव आकर, बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें। तो गाइस आज मेरी मदर इज़ला ने कहा है कि मुझे नाते सुनाओ, तो अभी मैं बारिश एंजॉय कर रही थी तो अभी मैं जाऊंगी अपनी मदर इन-लॉ को जाके नात सुनाऊंगी मैं, तो वो भी व्लॉग में आपको देखने सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह ताला। ये देखे कितनी यहाँ पे हवा भी चल रही है और बारिश भी हल्की हल्की सी हो रही है, कि यहाँ पे इतनी तेज हवा चल रही है ना, वो देखे वहां पे खड़ा दुपट्टा भी हिल रहा है, और वो दूर भाई सैफल भी आ गए हैं लाइट लेके, नजर तो नहीं आ रहे, अंधेरा है। वो तारे मोहम्मद भी तो, वो तारे खुदा है, इजहार मोहम्मद भी तो, इजहार खुदा है, अल्लाह जो तक ना हो तो सरकार को देखो, अल्लाह जो तक ना हो तो सरकार को देखो, के दीदारे मोहम्मद भी तो, दीदारे खुदा है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, जहाँ अर्श अज़ीम तो मैं सदके, जिन्हें पाक ना लैन न चुमे आए, जिस नबी नो चुमदा जग सारा, उस नबी हुसैन नो चुमे आए, बला गलोला बेकमाल ही कशफा दो जा,
बेजमाल ही असुनत जमीओ खिसाल ही सल्लो अलैहि वालेहि सल्लो अलैहि वालेहि सल्लो अलैहि वालेहि जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है सल्लो अलैहि वालेहि सल्लो अलैहि वालेहि सल्लो अलैहि वालेहि लजपाल करीम दे दर अकदस ते सुल्तान शहनशाह झुक वेंदन नहीं रहंदे होश नवाबी दे किसे मैं वाले मुक वेंदन उंदे नूरी नूर तजल्ले तो शाहबाज पखीक चुक वेंदन उंदी दिल कशी काली कमली विच बदकार ते मुजरिम लुक वेंदन सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसलाम अलैका या हबीब अल्लाह सुभान अल्लाह मिलाद मनाया कर तेनो रंग लग जावणगे मिलाद मनाया कर तेनो रंग लग जावणगे गीता का दे गाया कर तेनो रंग लग जावणगे सरकार दे लंगर विच रब रखिया शिफावाने सरकार दे लंगर विच रब रखिया शिफावाने रज रज के तो खाया कर तेनो रंग लग जावणगे रज रज के तो खाया कर तेनो रंग लग जावणगे मिलाद मनाया कर तेनो रंग लग जावणगे सोना नाम मुहम्मद दा साडी अखियां दा चानण है सोना नाम मुहम्मद दा साडी अखियां दा चानण है चम अखियां ते लाया कर तेनो रंग लग जावणगे मिलाद मनाया क
कर तनो रंग लग जावणगे कर बल दे कारी ने चढ़ने जिते दस आए कर बल दे कारी ने चढ़ने जिते दस आए एंज रब नु मनाया कर तेनो रंग लग जावणगे एंज रब नु मनाया कर तेनो रंग लग जावणगे मीलाद मनाया कर तेनो रंग लग जावणगे पंज तन दी निस्बत विच कई राज पुशीदाने पंज तन दी निस्बत विच कई राज पुशीदाने नारा हैदरी लाया कर तेनो रंग लग जावणगे नारा हैदरी लाया कर तेनो रंग लग जावणगे मीलाद मनाया कर तेनो रंग लग जावणगे आशिक दी गल मन ले दिल इश्क दे विच रंग ले आशिक दी गल मन ले दिल इश्क दे विच रंग ले महफिल विच आया कर तेनो रंग लग जावणगे महफिल विच आया कर तेनो रंग लग जावणगे मीलाद मनाया कर तेनो रंग लग जावणगे गीता का दे गाया कर तेनो रंग लग जावणगे मीलाद मनाया कर तेनो रंग लग जावणगे सुभान अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ माय यूट्यूब फैमिली आप जहाँ भी रहें खुश रहें अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ अल्लाह पाक आप सबको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। तो आज माय यूट्यूब फैमिली हमारा इतना अच्छा हमारा दिन गुजरा कि मैं आपको क्या बताऊँ। गाँव का माहौल ही ऐसा इतना प्यारा है कि इधर दिल भी लग जाता है खुशी भी होती है और खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है खुली फिजा है तो इधर रहना भी बहुत मज़ा आता है। अम्मा के इधर घर आए थे तो अम्मा भी बहुत खुश हुई कि मेरे बच्चे आ गए हैं मुझसे मिलने के लिए। अम्मा ने कहा था कि बच्चे हमारे साथ ईद करें तो हमने अम्मा के साथ ईद की है तो बहुत ही अम्मा को खुशी हुई। तो अम्मा ने कहा कि मुझे अपना नात सुनाए तो मैंने अम्मा को एक दो नातें भी सुनाई थी तो वो भी हम बहुत पसंद आई थी दिल से मैंने नात पढ़ी थी। तो आप सुनेगा तो अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो पूरी यूट्यूब फैमिली अपना अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर यहाँ पर रात भी बहुत काफ़ी हो चुकी है तो आप अपने बच्चों का अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।